वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्वाड ने लिया है एक ऐसा कदम जिसके बाद चाइना बहुत ही कमजोर और डरा हुआ सा महसूस कर रहा है अपने आप को। द जापान टाइम्स कह रहा है कि क्वाड लॉन्च करेगा एक ट्रैकिंग सिस्टम जिसके हेल्प से इलीगल चाइनीज फिशिंग बोट्स को मॉनिटर किया जा सकेगा, और क्वाड की हिस्ट्री में यह पहली बार एक बड़ा और ठोस कदम लिया जा रहा है जिससे सीधा चाइना को यह मैसेज जाता है कि अब क्वाड जिस असली मकसद से बनाया गया था, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए, अब उसके लिए वो सीरियस और डेडिकेटेड भी है। जापान ने एक बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बनाई है क्वाड के लिए जो वन ऑफ इट्स काइंड है, और पहली बार क्वाड की हिस्ट्री में क्वाड के किसी देश ने उसके लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट में क्वाड की हिस्ट्री है, क्वाड का विजन मिशन है, और बहुत से पिक्चर्स और वीडियोस है जो क्वाड से रिलेटेड है, और क्वाड का क्या मकसद है और उन्होंने आज तक क्या क्या अकॉम्प्लिश किया है, उन सब चीजों के बारे में। कुछ दिनों के बाद ही क्वाड का समिट होने वाला है जहां पर आई इन द स्काई मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार इन चाइनीज शिप्स पर नजर कैसे रखी जाएगी। किसी भी शिप में लगा होता है एक ट्रांसपॉन्डर जो रियल टाइम में उसे ट्रैक करने में हेल्प करता है। इंटरनेट पर एक थ्योरी सामने आई है, चाइनाज डिसअपीयरिंग शिप्स। ये सारी चाइनीज शिप्स अपने ट्रांसपॉन्डर्स को बंद करके दूसरे देश यानी कि वियतनाम, फिलीपींस या फिर ताइवान जैसे देशों में जाकर वहां के इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगली फिशिंग करके अपने देश फटाफट वापस आ जाती हैं। अब इससे उन देशों को भी नुकसान होता है और उन देशों की मरीन लाइफ को भी बहुत हानि होती है, क्योंकि बहुत से देशों की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिशिंग पर टिका होता है, और खासकर ये छोटे छोटे देश जो समुद्र से घिरे होते हैं या फिर एक बहुत ही ह्यूज कोस्ट लाइन शेयर करते हैं जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम। इन देशों के लिए फिशिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एसेंशियल चीज़ है, और इस सब के बीच में अगर कोई चाइनीज फिश आकर इनका सारा फिशेस को फिश करके ले जाए तो इन्हें बहुत ह्यूज लॉसेस होते हैं। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है क्योंकि हम यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं, आज चाइना ऐसे फिशिंग शिप्स के साथ कर रहा है तो कल को वो छोटे मोटे स्पाई शिप्स भी लॉन्च कर सकता है जिससे वो और भी ज़्यादा इलीगल काम करे, इनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद करवा देगा तो उन्हें कोई ट्रैक भी नहीं कर पाएगा, ना कोई सबूत बनेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा सैटेलाइट जो भले ही किसी शिप का ट्रांसपॉन्डर ऑन हो या ऑफ उसे तब भी ट्रैक करे, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये डिसअपीयरिंग शिप्स का तोड़ है क्वाड का सैटेलाइट, और क्वाड ये डेटा डिसअपीयरिंग शिप्स का उन सारे देशों के साथ शेयर करेगा जो देश इन इलीगल शिप्स के चलते हैम्पर हो रहे हैं, ताकि इन देशों के कोस्ट गार्ड और इन देशों की नेवी ऑलरेडी अलर्ट पे रहे, और जैसे ही कोई भी इलीगल शिप चाइना के तरफ से इनके देश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में घुसे तब उन्हें अरेस्ट किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।